तो हे नमस्कार दोस्तों, कैसी है बबली। आज हम लोग एक नया वीडियो लेके आए हैं BGC शेयर के ऊपर, ब्रिजकॉइन ग्रुप, जिसका नाम जाना जाता है नाम से। ओके, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, पहले वो डिस्कशन कर लेते हैं क्या बात कर बताने वाले। देखिए, वीडियो में हम लोग बताएंगे आप लोगों को कि इस शेयर में हम लोग को क्या आने वाले ट्रेडिंग सेशन में प्राइस वापस से हम लोग को 20-25 रुपए पास जाता हुआ देख सकता है, या ये स्टॉक वापस से फेल होके जैसे क्रैश हुआ था अभी हाल फिलहाल में, वापस से वैसे क्रैश हो जाएगा। ओके, तो क्या आप लोग को लगता है, अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्रैश होगा स्टॉक या वापस से रिकवर कर जाएगा। ठीक, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे बिना किसी देरी के। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये स्टॉक क्या कर रहा है, एक वी शेप रिकवरी करी स्टॉक ने तगड़े लेवल की। ठीक, ये गिरावट का भी अगर आप लोग को रीजन नहीं पता है तो मैं रीजन बता देता हूँ। इस स्टॉक के जो ओनर थे उन्होंने अपने स्टॉक के प्राइस को मैनिपुलेट करा हुआ था, बड़े लेवल पे पंप एंड डंप वाला सीन चल रहा था, सेबी ने पकड़ लिया, उसके ऊपर चार्जेस वगैरह लगा दिए, जिसकी वजह से कंपनी का नाम बहुत खराब हुआ था। ठीक, उसी वजह से ये वो आई थी। फिर यहाँ पे इस एरिया के पास में दोबारा से न्यूज आई कि सेबी के जो एलिगेशन लगे थे उसका उन लोगों ने, कंपनी ने अपना पे ऑफ कर दिया, कंपनी के ओनर्स ने मतलब जिनका फाइन वगैरह था सब पे कर दिया, उसके बाद से वापस स्टॉक का प्राइस अपसाइड मोमेंटम चलने लगा। ठीक, अब बात करते हैं कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में वापस से स्टॉक जो 25-20 रुपए चलता था वहां जाएगा कि नहीं। देखिए, ट्रांजेक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्टॉक देखिए अच्छी खासी रैली अपसाइड करी, वापस से डाउन साइड आके रिट्रेसमेंट कर लिया। यहाँ पे जिनको फ्रेश एंट्री करनी थी, यहाँ पे बहुत लोगों ने फ्रेश एंट्री करी होगी, बिकॉज यहाँ पे वेट कर रहे थे लोग रिट्रेसमेंट हो, वहाँ पे हम लोग फ्रेश एंट्री करें। अगर आप लोगों ने भी करी तो वेल एंड गुड है, बट अगर नहीं करी है एंट्री करने सोच रहे हैं तो घबराने की बात नहीं है। हम लोग एंट्री लेवल भी आप लोग को डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में कि कौन से एंट्री लेवल पे आप लोग को एंट्री करनी चाहिए, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगेगा लास्ट। देखो, यहाँ पे फ्रेश एंट्री जिनको बनाई, यहाँ पे वापस से अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। अब जो फ्रेश एंट्री आप लोग को फिर से बनाने का मौका ढूंढ रहे हैं वो लोग कहाँ पे करेंगे, ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे, बिकॉज यहाँ लास्ट टाइम ये ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट किया था, यहीं से लगातार गिरता हुआ आया था, शार्प क्रैश जो हुआ था स्टॉक यहीं से हुआ था। ओके, इसी ट्रेंड लाइन से, और इस ट्रेंड लाइन को वापस ये रिस्पेक्ट भी करी थी इसने हाल फिलहाल। अब जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं देता अपसाइड, अपसाइड ब्रेकआउट दे, रिट्रेसमेंट एंट्री करें, यहाँ पे रिट्रेसमेंट करें, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ब्रेकआउट दिया, रिट्रेसमेंट करने आया है, वैसे यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, रिट्रेसमेंट करने आएगा ही आएगा स्टॉक, बिकॉज ये स्टॉक की साइकोलॉजी होती है कोई भी स्टॉक प्राइस एक्शन के हिसाब से। ठीक, यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने आएगा, रिट्रेसमेंट में लोग फ्रेश एंट्री फिर बना सकते। और रही बात टारगेट की, तो स्टॉक ने अपने एलिगेशन वगैरह सब क्लियर आउट कर लिए हैं और स्टॉक में फिलहाल तो कोई बड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट दिख नहीं रहा है, बट ये एक बहुत पैनी स्टॉक है, पैनी स्टॉक में आप लोग उतना ही मनी लगाएं जितना आप लोग लॉस करने के लिए, पूरा जीरो होने के लिए आप लोग आप पहले से प्रिपेयर्ड हो उसका अमाउंट का जीरो होने का। ओके, सो मैं फिर से वार्निंग देता हूँ, पैनी स्टॉक में लेस अमाउंट आप लोग हमेशा इन्वेस्ट करा। ठीक, टारगेट्स की बात रखते हैं, टारगेट्स हम लोग को फर्स्ट टारगेट इसमें देखने को मिलेगा 20 रुपीज़ के आसपास, जैसे ये ब्रेकआउट देगा। ठीक, फिर 20 रुपीज़ के जो 20 रुपीज़ तक का नेक्स्ट टारगेट रहेगा 20 के अबव, वो हम लोग रख सकते हैं 28 रुपीज़ तक किया। ठीक, बट उसके लिए 20 रुपीज़ का ब्रेकआउट हम लोग को सक्सेसफुली चाहिए और वो भी हाई वॉल्यूम के साथ। ठीक, स्टॉप लॉस अगर आप लोग को अभी होल्ड करे हुए स्टॉक में पहले से एंट्री है, आप लोग को स्टॉप लॉस लेवल ढूंढना है, तो आप लोग का स्टॉप लॉस लेवल ये जो लास्ट विंग है यहाँ पे रहना चाहिए इसके नीचे, जो कि अराउंड 14 रुपीज़ के आसपास बनता हुआ आएगा। ओके, तो ये लेवल और टारगेट्स के साथ आप लोग इस स्टॉक में ट्रेडिंग कर सकते हैं, और अभी आप लोग बने इस ट्रेड में तो बने रह सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो बस इतना ही, वीडियो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हाँ ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को डेली अप टू डेट ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद जनता फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल।